आइए आपको सीधा लिए चलते हैं लखीमपुर, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, जब ये वैक्सीन जान बचा रही है, तो चाहे वह मोदी वैक्सीन हो या बीजेपी वैक्सीन, हम तो उसी को समर्थन करेंगे ना। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तैयार हैं। और भाइयों बहनों, आपकी सरकार थी, भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, महीने में डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना, फ्री का राशन मिलना है कि नहीं मिलना है। 2017 के पहले भी मिलता था, और राशन के साथ दाल भी होगा, रिफाइंड तेल भी होगा, और 1 किलो नमक भी होगा, है कि नहीं है। पहले एक पैसा कहां जाता, पहले यही पैसा समाजवादी पार्टी के मित्र वाले मित्र के घर चला जाता था, और मित्र वाले मित्र इसी पैसे को आरसीसी वालों ने कैद करके प्रदेश की जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ देते थे, विरोध अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी फैलाते थे। लेकिन आज मैं हमसे कह सकता हूं भाइयों बहनों, अगर हमने कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और साथ साथ कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और हर एक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया, राशन पहुंचाने का काम किया है, और हमारी जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी अपनी सेवा करते रहे। लेकिन चाहे सपा बसपा कांग्रेस के लिए कहीं थे क्या, इनका नाम पता था क्या, जब चुनाव आएंगे ये लोग निकल आएंगे और चुनाव के अंत गायब हो जाएंगे, तो भाइयों बहनों चुनाव में भी इनको गायब कर दीजिए, तैयार है ना। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर किसने बनाया है, क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करेंगे। और भाइयों बहनों, आपके लखीमपुर खीरी में तो अब आपकी जो बरसों से मांग थी कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो रही है आपके लखीमपुर खीरी में। मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना आपके यहाँ, मेडिकल कॉलेज बनेगा भाइयों बहनों 2023 में, जब इसमें नया सत्र प्रारंभ होगा, तो लखीमपुर खीरी के नौजवानों को यहीं पे मेडिकल में एडमिशन ही मिलने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। मेडिकल कॉलेज जब प्रारंभ होगा, तो भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज के लिए आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, ये आपको लखीमपुर खीरी के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये काम पहले क्यों नहीं हो पाया, याद करिए, अकेले लखीमपुर जिले में हम लोग जब आए थे, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। और आपके लखीमपुर खीरी के अंदर भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर एक 1,45,600 से भी किसानों का लगभग 904 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसान थे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था, उसमें से 1,45,600 से भी किसानों का कर्ज माफ अकेले आपके लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर हुआ।
भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,30,000 किसान सालाना 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले लखीमपुर खीरी जिले के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धावस्था में 1,16,000 वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। और भाइयों बहनों, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार अकेले लखीमपुर जिले के अंदर उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, 21,000 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा अकेले लखीमपुर जिले के अंदर दे रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग लखीमपुर जिले के अंदर भाइयों बहनों लगभग 40,00,000 लोगों को हर महीने 2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं आपके लखीमपुर जिले के अंदर। भाइयों बहनों, हम गरीबों का कर्ज माफ, हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, वृद्धजनों को पेंशन देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, दिव्यांगजनों को पेंशन देते हैं। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। आपने देखा होगा, परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा, भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। और मेरे सभी 16 जनपदों के 59 विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं से अपील है, उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, भयमुक्त, अराजकता मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के हितों के लिए जो कार्य किया है, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करने के लिए वे जरूर जाएं। यहां से अपील करूंगा उन सभी 16 जनपद के 59 विधानसभा सीट के मतदाताओं से। और मैं आज लखीमपुर जनपद की सभी विधानसभा सीट, यहां पर वो हमारे प्रत्याशी है, निकासन के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी श्री शशांक वर्मा, और साथ साथ हमारे धौरहरा से प्रत्याशी श्री विनोद शंकर अवस्थी, इन दोनों के लिए
आप सभी से अपील करूंगा कि ये भारी बहुमत से विजयी बनाकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।